हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज का वीडियो एक्सेल वीबीए सेल रेफरेंसिंग के ऊपर है, जो कि एक्सेल वीबीए का पार्ट 1 है। यहाँ इस वीडियो के मार्फत हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप एक्सेल के वीबीए विंडो से, कोड विंडो से एक्सेल के किसी सेल को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप एक्सेल के किसी सेल को एक्सेस करना नहीं जानेंगे, तब तक आप वीबीए के थ्रू ना तो उसके वैल्यू को, उस सेल के वैल्यू को उठा सकते हैं, ना तो उस सेल के वैल्यू में कुछ रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेल रेफरेंसिंग के तरफ। देखिए कैसे, कौन कौन से तरीके से हम लोग वीबीए के थ्रू सेल के वैल्यूज को उठाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। देखिए, आपको यहाँ व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से चले आना है मैक्रोज में। व्यू मैक्रोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे सपोज ये जो आप चाहें, अगर तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं व्यू मैक्रोज में, या आप अल्ट के साथ F8 बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो भी आपके सामने वो मैक्रो का डायलॉग बॉक्स चला आएगा। अब चलिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल रेफर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी के नाम से मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ सेल रेफरेंसिंग। क्रिएट बटन पे क्लिक किया। ये जो कोड विंडो है इसको मैं यही रहने देता हूँ ताकि आउटपुट भी 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए, सबसे जो पहला तरीका है, आप चाहते क्या है कि F5 में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आए, तो सबसे पहला तरीका है आपको उस सेल को सेलेक्ट करना होगा। तो आप रेंज फंक्शन के थ्रू डबल कोटेशन के अंदर, आप A5 को आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया और उसके बाद सेलेक्ट लिख करके इंटर आपने प्रेस किया। तो अब ये रन टाइम जो है, A5 जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 इक्वल्स। सपोज आप यहां पे चाहते हैं कि धोनी लिखा हुआ है, तो ये आपका V1 हो गया, V1। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, ये जो कोड है, ये F5 नाम का जो सेल है, ये A क्या 5A सेल जो कि फिलहाल ब्लैंक है, यहां धोनी रख पाता है या नहीं रख पाता है। तो आप यहां पे ऐसा लिखने के बाद, ये देखिए आपका रन बटन है, या आप F5 बटन भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि देखिए यहां पे धोनी आ गया। तो ये पहला तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अपने तरीके नंबर 2 के ऊपर। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है कोई एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करें, सपोज आपने सेलेक्ट कर दिया B का 2, तो आप यहां लिख सकते हैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स, सपोज आपने लिख दिया 1200। तो देखिए ये अब B2 क्या होगा, B2 में चला आएगा 1200। आप जैसे ही F5 दबाएंगे या रन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका 1200 आ गया। वे नंबर थ्री में आप ऐसा कर सकते हैं कि ये देखिए बड़ा ब्रैकेट, सपोज मैं C के 4 में, यहाँ C का 4 ऐसे लिख के, और इक्वल्स सपोज मैं डाल देता हूँ ट्रू, तो आप देखेंगे कि C4 में ये देखिए ट्रू आ गया। तो ये आपका V3 हो गया। इसी तरह से V4 के तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए ऐसे ब्रैकेट में, सपोज आपने C7 लिखा, आप डॉट वैल्यू इक्वल समथिंग, सपोज फॉल्स आपने लिख दिया, तो आप देखेंगे रन करवाने के बाद कि ये इस पर्टिकुलर जो सेल है, जो यहाँ से रेफरेंस किया गया, जिसका एड्रेस दिया गया, वहाँ पे वो पर्टिकुलर वैल्यू चली आई। अब चलिए बढ़ते हैं V5 के ऊपर। आप अगर चाहते हैं कि सपोज A के 2 से लेके A के 4 तक एक पर्टिकुलर मैसेज आए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं A2 से A4 में क्या आ जाए, में आ जाए सपोज साइबोटेक। ऐसा आप लिख के जैसे ही रन करवाते हैं, ये देखिए आप देखेंगे यहां पर साइबोटेक चला आया। उसी तरह से अगर हम लोग चले V6 के ऊपर, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे,
सपोज आप चाहते थे कि C1 से C3 तक डॉट वैल्यू इक्वल्स ऐसा आ जाए सब्सक्राइब। ये देखिए C1 का C1 से C3, जो कि C1 से नहीं मैं C2 से कर दे रहा हूँ, C2 से C3 दो ही सेल है, कोई बात नहीं, डॉट वैल्यू ये देखिए दोनों सेल में सब्सक्राइब आ गया। तो ये हो गया आपका वे नंबर 6। बढ़ते हैं अपने अगले तरीके के ऊपर, वे 7। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें, जैसा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेल्स, यहाँ देखिए पहले रो का इंडेक्स मांगता है। सपोज मैं चाहता हूँ कि ए के 7 में, तो ए 7 मतलब रो 7 है कॉमा ए, ए का कॉलम क्या है 1 है। यहाँ पे आप चाहते हैं कि लिखा हुआ आ जाए मोहन, तो आप देखेंगे ए 7 जो कि फिलहाल ब्लैंक है, जैसे ही आप इसको रन करवाएंगे आप पाएंगे कि वहां पे मोहन आ चुका है। इसी तरह से अगर आप चाहें, यहां पे मैंने वैल्यू का यूज नहीं किया है, वे नंबर 8 में मैं उसको करके दिखा रहा हूं, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे सेल्स। सपोज मैं चाहता हूं डी के 2 में कोई एक वैल्यू लिखना, तो डी के 2 मतलब रो का इंडेक्स 2 हो गया, डी डी जो है ए बी सी डी चौथा कॉलम हो गया, यहां पे आप चाहें तो डॉट वैल्यू देके आप लिख सकते हैं, मान लिया मोहन आपको लिखना है, आपने मोहन लिख दिया। तो जैसे ही आप रन करवाएंगे, ये देखिए आपका D2 अभी ब्लैंक है, लेकिन जैसे ही आप इसको रन करवाएंगे आप देख पाएंगे कि यहां पे मोहन आ चुका है। वे नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आप अगर चाहें तो देखिए रेंज का भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, आप यहां पे आपने लिखा रेंज, और यहां पे आपको सपोज कि बी के 4 में आपको लिखना है, तो आप बी 4 इक्वल्स आप लिख देते हैं वी बी ए। जैसे ही ऐसा लिखते हैं तो आप रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि बी का 4 जो कि फिलहाल खाली है, यहां यहां देखिए ये चीज वी बी ए यहां पे आ चुका है। आप अगर चाहें तो यहां पे देखिए वे नंबर 10, आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते थे रेंज, सपोज आपको डी बी के 6 में समथिंग लिखना है बी 6, आप यहां पे लिखते हैं बी 6 डॉट वैल्यू इक्वल्स, आप यहां पे विजुअल लिख देते हैं, तो बी का 6 बहुत ध्यान से यहां देखेंगे बी के 6 में कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही ऐसा लिखने के बाद रन करवाएंगे देखिए यहां पे विजुअल लिखा हुआ आ गया। आप ऐसा भी कर सकते थे वे नंबर 11, वे नंबर 11 बहुत ध्यान से बने रहेंगे, बस अब बहुत कम चीज बाकी है इसमें। रेंज आप चाहते हैं कि डी के 3 में, डी डी के 3 से डी 3 से डी के 8 तक क्या फिल हो जाए कोड, ऐसा कुछ कोई भी एक मैसेज, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे 12 × 8 एक एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, तो ये मल्टीप्लीकेशन होकर जो रिजल्ट आएगा वही सारे दिए गए रेंज के सारे सेल्स में आ जाएगा। ये देखिए 96 96 96, आप चाहते अगर यहाँ पे तो आप वे नंबर 12 आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज। सपोज मैं लिखना चाह रहा हूं बी के 7 से बी के 9 तक डॉट वैल्यू इक्वल्स सपोज 112 प्लस 45 माइनस 3 एक एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूं, तो ये एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो बी 7 से बी 9 मतलब बी 7 बी 8 बी 9 ये जो सेल है बी 7 बी 8 बी 9 में इसका रिजल्ट चला आएगा। अब देखिए ये तो आपका, आपने ये कोड तो लिख दिया, अब आप इसको बंद कर दीजिए, ये आपका VBA में सेव हो गया है, तो अब आप इसको मिटा भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका एक प्रोग्राम के तरह सेव है। आप जब चाहें व्यू मैक्रोज में जाइए, उस मैक्रो को सेलेक्ट करके यहाँ रन पे क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे कि उसमें जो भी कोडिंग आपका लिखा हुआ था उसका जो भी इफेक्ट है वो यहाँ चला आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो सेल रेफरेंसिंग का आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने देखा, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आप लोग इसका प्रैक्टिस करें ताकि इस पे कमांड हो जाए,
नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे का जो भी टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूंगा। जो लोग चैनल से नए नए जुड़े हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चैनल का नाम है साइबोटेक कैंपस नवादा। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में वीबीए के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल।